हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता किचन एंड आर्ट। तो फ्रेंड, आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल लेके आई हूँ ये रेसिपी, और ये केक की रेसिपी है। तो ये केक मैं बनाने वाली हूँ अप्पे के सांचे में। और आप देख पा रहे हैं, मैंने छोटे छोटे साइज के पार्ले जी बिस्किट लिए हैं। 2 रुपया वाला पार्ले जी का बिस्किट जो मैंने 6 लिए हुए हैं। यहाँ लिया मैंने पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, और ये ऑयल लिया है मैंने, और हमें चाहिए मिल्क। तो देखिए, बहुत ही कम सामान में जो है ये बिस्किट का केक बनके रेडी होता है, और सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं। और हमें चाहिए एक बाउल, और ये देखिए फ्रेंड, ये अप्पे का सांचा है। इसी सांचे में मैं आज बिस्किट बना के, सॉरी केक बना के आप लोग को दिखाऊंगी। तो बहुत ही यम्मी बिस्किट का केक बना के दिखाऊंगी, बहुत ही यम्मी सा बन के रेडी होगा। और आप लोग देखिए एंड तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जुनी है वो, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे बिस्किट को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे कर लेंगे हम ग्राइंड। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने बिस्किट को टुकड़ों में तोड़ दिया है, और इसके बाद हम इसे पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पीस लिया है मिक्सी में। और चलिए अब हम बैटर तैयार करते हैं। तो एक बाउल ले लेना है, और इसके बाद सारे बिस्किट के जो मिक्सचर है उसे हम डाल देंगे, जो हमने पाउडर किया है उसे इस बाउल में। तो बहुत ही कम सामान में फ्रेंड, बहुत ही यम्मी सा जो है केक बन के रेडी होता है। और इसकी साइज और छोटे छोटे से होते हैं ये, तो बहुत ही सुंदर दिखता है, तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा और बच्चे इसे ज़रूर खाएंगे। और ये जो है पार्ले जी बिस्किट से है, और पार्ले जी बिस्किट जो है आटे का बना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है बच्चों के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे जो है बिस्किट की बिस्किट जो पीसी थी उसे पूरा ऐड कर दिया, और उसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर यहाँ मैंने लिया है ये छोटा चम्मच में 1 चम्मच, और बेकिंग सोडा मैंने लिया है इसी छोटे चम्मच में 1/2 चम्मच। तो आप देख पा रहे हैं इतना मैंने लिया हुआ है। आप चाहो तो बड़े पैकेट वाले बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादा बनानी है तो। और ये देखिए फ्रेंड, हमें अभी डालना है शुगर। तो बिस्किट जो होता है पाले जी बिस्किट बहुत मीठा होता है, तो उसमें पहले ही मिठास होती है, तो हम शुगर टेस्ट के अनुसार से डालेंगे। पहले ही मीठा होता है, तो इसमें मैं 3-4 चम्मच के आसपास डाल दूंगी, इतना काफ़ी होगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, जितना आपको टेस्ट है आप उतने उसके अनुसार से आप डाल सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिला देंगे, इतने अच्छे से मिला देंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जिसे छान भी सकते हो ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए, पर मैं इसे हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने हाथों की सहायता से मिक्स कर दिया। अब बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पर मैंने मिल्क लिए हुए हैं, और इसे थोड़ा थोड़ा डाल करके हम मिक्स करते जाएंगे, और बहुत ही स्मूथी सा एक बैटर बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से एक साथ पूरा का पूरा दूध नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके हम डालेंगे। अब ये देखिए, मैं डालूँगी ऑयल, ऑयल मैंने डाला 4 चम्मच के आसपास। तो ऑयल डालने के बाद हम फिर से मिला देंगे अच्छे से, और बहुत ही बढ़िया सा बैटर जो है तैयार हो जाएगा ऑयल डालने के बाद, एकदम स्मूथी सा बन जाएगा, आप देख पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह सा हमारा बैटर जो है बन के रेडी होगा, और इसमें थोड़ा सा मैं मिल्क और ऐड कर दूँगी, बहुत ही हल्का सा, और उसके बाद फिर बहुत ही सॉफ्ट, आप देख पा रहे हैं जो बैटर है बन के रेडी हो गया है। तो चलिए, हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार है, इसे थोड़ा सा रेस्ट होने देते हैं 2-3 मिनट के लिए, और हम चलते हैं इधर बनाने के प्रोसीजर की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल रेस्ट हो गया और बैटर कुछ इस तरह हो गया, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इतनी ही रखनी है आपको। और ये देखिए फ्रेंड, जो अप्पे का सांचा है उसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी से कर सकते हो, ऑयल पसंद है और जिस जो भी चीज़ हो, जिससे भी करना है आपको कर सकते हो ग्रीस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, मैंने हाथ की सहायता से ग्रीस कर लिया, आप ब्रश से भी कर सकते हो। तो अभी हम डाल देंगे जो बैटर हमने तैयार किया उसे सभी खानों में। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल भी बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब ये बनेगा तो ये फूलेगा। और फ्रेंड, बिल्कुल भी गैस पर रख के इसे नहीं डालना है, आप नीचे ही डालिए, और उसके बाद सारे खानों में भरने के बाद ही गैस पर चढ़ाइए, और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल भी मीडियम हाई, कुछ भी यूज़ नहीं करना है यहाँ पर जब आप बिस्किट के केक बना रहे हो अप्पे के सांचे में। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको पकाना है, और पहले आप पूरा बैटर डाल लें सांचों पर, फिर उसे गैस पर रखें, तभी बहुत बढ़िया से बनेगा, नहीं तो फिर जल जाएगा आपका जो भी केक आप बना रहे हो। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखें। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने ढक दिया लगभग 2 मिनट के लिए,
तो 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है बिस्किट बिल्कुल बन के, बिस्किट का केक जो है बन के रेडी हो जाएगा, एक तरफ से पूरा बन जाएगा। तो अभी 2 मिनट होने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड ओपन करके देखते हैं कि हमारा केक बना कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि बीच का जो होता है, बीच में बहुत ज़्यादा जो है गैस का फ्लेम पड़ता है तो वो जल्दी हो जाता है फ्रेंड, तो इसलिए बीच बहुत जल्दी हो जाता है और किनारों का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप देख पा रहे हैं किनारों का भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हो गया है 2 मिनट में। तो अभी मैं जो जो हुआ है उसे मैं पलट दूँगी। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर है और कितना यम्मी सा जो है हमारे बिस्किट की केक बन के रेडी हो रहे हैं। तो एक साइड से हो गया है फ्रेंड, अब इसे मैं पलट करके दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पर दूंगी अच्छे से। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ऑयल और डाल देना हमें ताकि ये जले ना नीचे से, और ऑयल के साथ में बहुत ही अच्छे से सिक जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ऑयल यहाँ डाल रही हूँ। तो ये जो बिस्किट होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे लोग इसे आसानी से खाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उन्हें खिलाने में। और साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पार्ले-जी बिस्किट का होता है। तो ये देखिए अभी हम निकाल लेते हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही हमेशा बन के रेडी हुआ है मेरा जो बिस्किट का केक है, वो बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो चलिए फ्रेंड अभी हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। तो ये देखिए फ्रेंड किस तरह से बना है, रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपको जो भी बिस्किट पसंद है उसे आप डाल दीजिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए 2 से 3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपका पूरा बिस्किट का केक जो है बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए बीच में जो डाली थी मैं वो हल्का सा जल गया था, क्योंकि बीच में जो है गैस फ्लेम ज़्यादा पड़ता है तो जलने का थोड़ा सा हो जाता है। तो ये देखिए मैं टुकड़ों में आपको दिखा रही हूँ तो कितना स्पॉन्जी बना है उससे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही यम्मी सा केक बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले जो न्यू है मेरे चैनल में, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।